विधानसभा सदस्य के रूप में सीएम योगी और अखिलेश यादव ने शपथ ली। शपथ के बाद सीएम योगी ने थपथपाई अखिलेश यादव की पीठ। कुशीनगर में मुस्लिम युवक को बीजेपी की जीत पर जश्न मनाना महंगा पड़ गया। पिटाई से हुई बाबर की मौत, सीएम ने जताया दुख, दिए जांच के आदेश, तू गिरफ्तार। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होगा माफिया मुख्तार अंसारी। संपत्ति कब्जाने के मामले में मुख्तार अंसारी के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। बांदा से ही जीयूपी उत्तराखंड की टीम मुख्तार के काफिले के साथ। आज से यूपी के दो दिनों के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में स्वयं सेवकों के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम योगी कर सकते हैं मुलाकात। उत्तराखंड में आज से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हाई स्कूल के छात्रों ने दिया हिंदी का पेपर। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कोविड नियमों का करना होगा पालन। महामारी के चलते 2 साल से रुकी थी यात्रा। बंगाल विधानसभा से विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की, बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच मारपीट, विधायकों ने विधानसभा में तोड़ी लाइटें। आज फिर से बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे महंगा हुआ। पिछले 7 दिनों में औसतन 4 रुपए से ज्यादा हुई वृद्धि। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस्तीफे से इनकार किया, बोले 5 साल चलेगा कार्यकाल सरकार का, विपक्ष की सारी साजिश नाकाम होगी। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का 33वां दिन आज, रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइल से हमले किए। यूक्रेन में रूसी हमलों से भारी तबाही, मारियोपोल पर रूसी सेना ने के बाद एटैक्स के हमले, मिसाइल हमले में बड़ी बड़ी इमारतें जलकर खा। चेनिहिव में रूस का बड़ा हमला, हमले में आर्टिलरी को तबाह करने का किया दावा। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार।